उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीतेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी के दावे पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा चुनाव में 45 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी। अब यूपी से भाजपा सरकार जाने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले 4 साल के दौरान यूपी में सकारात्मक माहौल बना है। पिछले सरकारों में अपराध और दंगे अपने चरम पर थे, निवेशक उत्तर प्रदेश आने से डरते थे। उन्होंने कहा कि यूपी अब निर्यात का केंद्र बन रहा है, ये न्यू इंडिया का उत्तर प्रदेश है। उन्होंने कहा कि कोरोना युग के दौरान हमने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया। जो कार्यकर्ता यूपी लौट आया था वो वापस नहीं गया। पिछले सरकार ने यूपी को आगे बढ़ाया, अब राज्य में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। किसान आंदोलन के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे किसानों की पूरी सहानुभूति है, हर कोई देख रहा है कि किसे कितना समर्थन मिल रहा है। कोई भी संवेदनशील सरकार अन्नदाता किसान का सम्मान करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो नेतृत्व दिया है उसे कोई नहीं दे सकता। सीएम योगी ने कहा कि लव जिहाद किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, अगर आप धोखे से शादी करते हैं तो ये कानून अपना काम करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ की यूपी में 350 सीट जीतने के दावे पर पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि सबसे पहले सपा नेता कहा था कि पार्टी 2022 चुनाव में सभी वर्गों से 350 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के 45 विधायक भी नहीं जीत पाएंगे, वो तो देख आने वाले चुनाव में ही तय हो जाएगा कि किस पार्टी को कितना सीट मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।